जी दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी बड़े अच्छे तरीके से अफजाइश कर रहे होंगे। व्यूअर, मैं हूँ सरफराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लांट व्यू। 2 दिन बारिश होती रही, मौसम उसके बाद थोड़ा नॉर्मल तो हुआ है लेकिन इतना नॉर्मल नहीं है। ठीक है, आज फिर गर्मी की शिद्दत है लाहौर के अंदर। तो आज हम अपने कबूतरों से बिलाव का आगाज कर रहे हैं। ठीक है, इस जो हमारा बड़ा केज था, जो हमारी एवरी थी, इसमें चूंकि गर्मी बराह रास्त धूप इधर पड़ती है तो यहाँ सिर्फ कबूतर को, क्योंकि धूप मुनासिब रहती है, तो इसलिए इधर सिर्फ फील्डबैक कबूतरों के जोड़े को छोड़ा हुआ है। इनकी एज पूरी हो चुकी है लेकिन ये अभी तक ब्रीडिंग की तरफ नहीं आ रहा है। एक दोस्त कह रहा था कि आप इनके साथ कोई और एक दो कबूतरों का जोड़ा छोड़ें तो फिर उनको देख के ये भी ब्रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। तो इनको सिर्फ इधर छोड़ा हुआ है, बाकी जो हमारे कबूतर हैं, बाकी कबूतर तो नहीं है, बाकी बाकी जो हमारे बर्ड्स हैं, मतलब जो भी बतखें हैं, उसके बाद खरगोश हैं, उसके बाद हमारे पास जो है वो पैरट जो हैं, वो सारे नीचे हैं। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ आज चूंकि काफ़ी व्लॉग के अंदर मैंने अपने कबूतरों को नहीं दिखाया था तो बहुत से दोस्त कमेंट्स में ये कह रहे थे कि आप अपने कबूतरों को भी एक दफ़ा दिखा दें। तो आज कबूतरों से ही हमने अपने व्लॉग का आगाज़ किया है। ये नीचे वाला हमारा लान है, बाकी परिंदे उधर पड़े हैं, तो बाकी ये आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। नीचे मैं लान में आ चुका हूँ क्योंकि अब बारिश होने के बाद घास ने बड़ी तरोताजगी पकड़ी हुई है। देखिए ज़रा कितना खूबसूरत लग रहा है। डक हमारी इधर है। ठीक है, डक, ये जो छोटी हमारी डक है ना, इनको मैं रोज़ बाहर छोड़ देता हूँ। आज उनको बाहर भी छोड़ेंगे और शाम के वक़्त मैं इन्हें बाहर से अंदर घर ले आता हूँ, तो इनको बाहर भी आज छोड़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अपने खरगोश की जानब। तो खरगोश आज दोनों पहले ही बाहर निकल चुके हैं क्योंकि इनको ज़रा सा जो था जाली का एक पोर्शन मिल चुका था तो उधर से ये बाहर निकल गए हैं। तो इस वक्त ये यहाँ पे है। ठीक है, एक इधर है और एक शायद ये एक इधर है। ये दोनों अब बाहर पहले ही आ चुके हैं तो मैं इनको ही खोलने आया था। और इनकी फेवरेट गज़ा केला एक को देता हूँ। ये चलो ये तो खा ले, खा लो खा लो। डर रहे हैं अभी क्योंकि मैं इन्हें ज़्यादा खुला नहीं छोड़ता हूँ। इसके बाद हमारे बजरी हैं, इनमें से एक पेयर ने अब अंडे दे दिए हैं। जिस बॉक्स के ऊपर ये सारे बैठे हुए हैं इसी के अंदर एक पेयर ने अंडे दे दिए हैं। इनकी मुसीबत थोड़ी ये थी कि ये एक ना हमारे पास छोटा सा सुराख है, यहाँ से ना इन्होंने यहाँ से इस सुराख से दूसरी तरफ चले जाते हैं, मतलब दूसरे साथ में हमारे पास इधर है कॉकटेल। तो इन बेचारों ने अंडे दिए हुए थे। ठीक है, तो जब बजरी ने इनके इस केज के अंदर मुदाखलत की है तो इन्होंने अपने अंडे उठा के ना इधर फेंके थे, इधर फेंक दिए थे। इधर से एक सुराख था और अंडे नीचे गिर गए हैं, अभी भी इधर पड़े हुए हैं। दो अंडे अब इधर इन्होंने फेंक दिए हैं और एक जो अंडा है ना अभी इनका जो बॉक्स है उसके अंदर पड़ा हुआ है। रात तो हैचिंग के लिए उस पर बैठी हुई थी फीमेल, लेकिन अब दोनों बाहर बैठे हुए हैं तो अल्लाह ही जाने। अब ये हमारे पास साथ रोजी कोली का एक जोड़ा है। ठीक है, ये भी आज बाहर बैठा हुआ है, इन्होंने भी अंडे दिए हुए थे लेकिन अभी ये भी बाहर ही बैठा हुआ है, तो इसका भी अब खुदा जाने इसको क्या हुआ है। बाकी एक जोड़ा हमारा इधर है, वही कॉकटेल का ये पेयर लग चुका है। आप देखें ये ब्रीड की जानिब कब आते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो हम अल्बाइनो स्प्लिट ब्लू का एक जोड़ा लेके आए थे उनको हमने इधर रखा हुआ है। ठीक है, इनके लिए अभी बॉक्स लगाना है, अभी गर्मी है, अभी इस महीने के एंड पे बॉक्स लगा देंगे। यहाँ जी हमारे पास एक जो है वो ग्रीन है लबर्ड,
और ग्रीन फिशरी है, और दो ब्लू में है। एक थोड़ा सा जो है वो स्प्लिट ब्लू में है और एक प्योर ब्लू में है। तो इनको, इन तीनों को इधर रखा हुआ है, इनको बॉक्स दिया हुआ है, एक पेड़ लगा हुआ था। आप देखें इन्होंने कुछ ब्रीडिंग की तरफ आते हैं या नहीं। तो आप डक को बाहर लेके जाते हैं, डक के को हम बाहर छोड़ते हैं तो इनको बाहर ले जाते हैं। इनको मैंने यहाँ से निकाल दिया, देखें कितनी खुश हैं। ये फ़ौरन से अब दरवाजे की जानब जाती हैं और बाहर। अब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और ये बाहर निकल जाएंगे। ये दरवाज़ा खोल दिया है, ठीक है, अब ये बाहर निकल जाएंगे। अब इनका सीधा जो पड़ाव होता है ना, वो खाल के ऊपर, जो नहरी खाल हमारे घर के साथ लगता है, बड़ी तेज़ी से जाती हैं, भागी जाएंगी। ये देखें सड़क इन्होंने क्रॉस कर ली है, हमारे बाहर का लान जो है ये भी इन्होंने क्रॉस कर लिया है और सीधी भागी भागी जा रही हैं। इनकी स्पीड ज़रा चेक करें, ये साथ में नहरी खाल है, ठीक है, यहाँ आके ये थोड़ा रुकेंगी और सीधा पानी के अंदर। ये अच्छी हैं, ये बड़ी जो डक हैं उनसे ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई हैं। ये नहरी खाल हमारे पास से गुज़रता है और यहाँ ये अब अपनी मस्तियाँ करेंगी। ये बहुत मतलब उनसे ज़्यादा समझदार हैं बड़ी डक से। ये यहाँ शाम तक बैठी रहती हैं और शाम के बाद मैं इन्हें अंदर ले जाता हूँ। तो इनकी ये खूबी है कि ये कोई तंग वगैरह नहीं करती। अब मैंने 2 दिन से इनको यहाँ छोड़ना शुरू किया है, तो ये यहाँ ही सारा दिन रहती हैं, इधर बैठी रहती हैं, इस खाल के अंदर खूब मस्तियाँ करती रहती हैं जैसे अब कर रही हैं। जी दोस्तों, तो ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त मेरे व्लॉग को पसंद भी करेंगे। और फिर आखिर पे यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियो देख के आगे गुजर जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट मिलती रहे, मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं।